तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा HDR फेस स्मूथ कैसे करें। दोस्तों आप देख सकते हो हमारी फ़ोन स्क्रीन पर, दोस्तों ये देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल HD क्वालिटी में दोस्तों मैंने फेस स्मूथ किया है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों क्या आपको भी इसी प्रकार की फ़ोटो एडिटिंग सीखना हो तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड दोस्तों चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो दोस्तों आपको आज मैं बताऊँगा HDR फेस स्मूथ कैसे करें। दोस्तों आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बिना कुछ बकवास किए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो को दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपनी सादा फ़ोटो को आपको ले जाना होगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिएगा दोस्तों अपनी फ़ोटो को ले जाइए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों इसमें आने के बाद आपको सिंपल बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो सिंपल आपको जाना होगा इफेक्ट वाले ऑप्शन पर। इफेक्ट में आके दोस्तों आपको दिख जाएगा FX का ऑप्शन, उसमें जाने के बाद दोस्तों आपको HDR वन दिख जाएगा, तो उसको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो उसको क्लिक करते ही जैसे हमारी फ़ोटो कैसी हो चुकी है। तो उसमें जाके दोस्तों आपको सिंपल सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना, और नीचे आके दोस्तों आपको फूड का ऑप्शन मिलेगा तो उसको थोड़ा माइनस कर देना है कुछ इतना दोस्तों, और राइट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो पहले इसे कितनी अच्छी हो चुकी है HDR में। फिर दोस्तों आपको सिंपल इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना होगा, फिर नीचे आके दोस्तों आपको कलर वाले ऑप्शन पर जाना होगा, फिर दोस्तों आपको दिख जाएगा ब्लू वाला ऑप्शन, ब्लू कलर वाला दोस्तों, उस पर क्लिक कर देना है। इसमें जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपल आपको इरेजर वाले ऑप्शन पर जाना होगा, इसमें आके दोस्तों आपको सिंपल अपने फेस को और कपड़े को दोस्तों और हेयर को अपने साफ कर लेना है ओनली। तो चलिएगा दोस्तों आप साफ कर लीजिए, तब तक मैं भी अपने फेस को साफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको भी कर लेना है अपने फेस को और हेयर को दोस्तों, फिर बताऊँगा दोस्तों मैं आगे क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड में कलर हो चुका है दोस्तों, कितना बढ़िया लगने लगा है अभी आप देख सकते हो। फिर दोस्तों आपको सिंपल करना क्या होगा, अपनी फ़ोटो को करना होगा शेयर। दोस्तों अपनी फ़ोटो को शेयर कर लेना होगा आपको स्नैपचीट एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों स्नैपचीट में जाने के बाद पहले ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा स्मूथ का, तो स्मूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आपको। इसमें जाने के बाद दोस्तों राइट कर देना है, फिर दोस्तों आपको सिंपल जाना होगा टूल्स वाले ऑप्शन पर। इसमें जाने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा ट्विन इमेज में, ट्विन इमेज में जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपल सेचुरेशन को थोड़ा माइनस रखना है और अम्बाइस को थोड़ा सा बढ़ा देना है और राइट कर देना है दोस्तों। फिर दोस्तों आपको टूल्स में जाना होगा और डिटेल्स वाले ऑप्शन पर जाकर दोस्तों शार्पनिंग को थोड़ा बढ़ा देना है और स्ट्रक्चर को दोस्तों थोड़ा बढ़ा देना है। फिर दोस्तों आपको दोबारा जाना होगा टूल्स पे, नीचे आके दोस्तों आपको जाना होगा टोनल कंटेस्ट पे, हाई टोन्स को दोस्तों बढ़ा दीजिए और मीडियम टोन्स को दोस्तों थोड़ा माइनस कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो अब कितनी अच्छी लगने लगी है बिफोर एंड आफ्टर। फिर दोस्तों सिंपल अपनी फ़ोटो को कर लेना होगा आपको शेयर लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिएगा दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो आ चुकी है। फिर दोस्तों आपको सिंपल चले जाने होंगे लाइट वाले ऑप्शन पर, इसमें जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपल कॉन्टेस्ट को थोड़ा बढ़ा देना है और हाईलाइट को दोस्तों थोड़ा माइनस रखना है, शेडो को भी दोस्तों थोड़ा सा माइनस रख लेंगे और वाइट को भी दोस्तों माइनस और ब्लैक को भी दोस्तों बढ़ा देंगे थोड़ा। फिर दोस्तों कलर वाले ऑप्शन पर जाकर टेम्परेचर को बढ़ा दें और नीचे आके दोस्तों इसको बढ़ा दें। फिर दोस्तों मिक्स में जाके ऑरेंज वाली सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस रखें और लूमिनस को फुल बढ़ा दें कुछ इतना दोस्तों, येलो की सेचुरेशन को दोस्तों फुल माइनस और ग्रीन की सेचुरेशन को भी दोस्तों फुल माइनस, स्काई की सेचुरेशन को दोस्तों थोड़ा बढ़ा दें और हुई को थोड़ा माइनस रखें कुछ इतना दोस्तों, कोई को भी दोस्तों आप बढ़ा दीजिए थोड़ा
और दोस्तों ब्लू की सैचुरेशन को माइनस और रुई को दोस्तों बढ़ा दीजिए, स्काई की सैचुरेशन को माइनस, पिंक की सैचुरेशन को माइनस और दोस्तों रेड की सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको उतना ही रखें दोस्तों और इसको नीचे लूमिनस को बढ़ा दें। डन करके दोस्तों आपको चले जाना होगा इफेक्ट वाले ऑप्शन पर, इफेक्ट में आके दोस्तों क्लियरिटी को बढ़ा देना है, फुल कर देना है दोस्तों, इसको दोस्तों थोड़ा सा माइनस और दोस्तों टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा देना। फिर दोस्तों डिटेल वाले ऑप्शन में आके स्मूथ शार्पनिंग को बढ़ा देना है, नीचे आके दोस्तों कलर को थोड़ा बढ़ा देना और डिटेल्स को बढ़ा देना है, स्मूथनेस को बढ़ा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो कितनी अच्छी और HDR में फ़ोटो दोस्तों और भी कितनी अच्छी लगने लगी आप देख सकते हो। फिर दोस्तों अपनी फ़ोटो को करेंगे शेयर स्केचबुक एप्लीकेशन यानी ऑटोडेस्क के अंदर, तो चलिएगा दोस्तों आप भी शेयर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आपको सिंपल जाना होगा ब्रश वाले टूल्स पर, उसमें जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपल ऊपर आकर इस वाले ब्रश को ले लेना और इसकी सेटिंग कुछ इतनी रखनी हो। फिर दोस्तों अपने फेस को करना होगा आपको स्मूथ, तो चलिएगा दोस्तों आप स्मूथ कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा कितना HDR में फेस स्मूथ हो रहा है, तो दोस्तों आप भी कर लीजिए इसी तरह आप देख सकते हो, ये देखिएगा दोस्तों आप। तो चलिएगा दोस्तों जल्दी जल्दी कर लीजिएगा आप भी, थोड़ा मैं भी स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो चलिएगा दोस्तों अच्छी तरह से स्मूथ कर लीजिए आप। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा फेस स्मूथ हो चुका है कितना बढ़िया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।